लंबे समय तक हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसे फ्रेश रखने के लिए हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, पर कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें फ्रिज में रखने के कारण उसके फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है और फ्रिज में रखा हुआ कारण की वजह से वो जल्दी उसकी स्पॉइलिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन सा आइटम फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है ब्रेड। ब्रेड फ्रिज में रखने के कारण ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, इसीलिए आप इसे पेपर बैग में या फिर ब्रेड बॉक्स में स्टोर करें। टमाटर फ्रिज में रखने के कारण इसके फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही लॉस हो जाते हैं, इसीलिए आप इसे रूम टेम्परेचर में ही रखें। जैम और जेलीज में हाई अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है, इसीलिए आप इसे बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। पीनट बटर को अगर आप रेफ्रिजरेट करते हो तो इसका स्टेल होने का चांसेस ज़्यादा है, ये बासी हो सकता है, इसलिए आप इसे कूल और डार्क प्लेस में स्टोर करें। केचप और सोया सॉस में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है, इसीलिए आप इन्हें कूल और डार्क प्लेस में स्टोर करें। पिकल्स कूल और डार्क प्लेस में रखने से इसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही सही रहेगा। हनी को फ्रिज में स्टोर करने से ये थोड़ा सा हार्डन हो जाता है, इसीलिए आप इन्हें रूम टेम्परेचर में ही स्टोर करें। नेक्स्ट है कैप्सिकम। इन्हें फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है, आप इसे बाहर पेपर बैग में स्टोर कर सकते हैं, ये